काफी चीजें हो रही है हाल फिलहाल में, हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर काफी चीजें हो रही है, और कंगना और दलजीत ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनके बीच टग ऑफ वॉर हो रहा है। कंगना इज यूजिंग चीफ वर्ड फॉर द प्रोटेस्ट एज सच एंड यू नो दलजीत बीइंग सपोर्टिंग सपोर्टेड बाय द प्रोटेस्ट, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो इशू होता है इसमें जो सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं और कितना सोच समझ के कमेंट करना चाहिए और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो इशू है सर, ये पूरे के पूरे देश और अभी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर दिलजीत क्या बोल रहे हैं, कंगना क्या बोल रही हैं, कौन कितना बदतमीज़ है और क्या टग ऑफ वॉर चल रही है, मुझे लगता है वो बेहुदा सवाल है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या किसान सही हैं या हमारी गवर्नमेंट सही है? क्या किसान जो मांग कर रहा है वो सही है या गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है कि आपकी APMC आपकी हटा देंगे, आपकी मंडियां हटा देंगे, आपका MSP हटा देंगे? साइड टू से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को अभी तक ये नहीं पता होगा कि MSP का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दैट इज़ व्हाट मेक्स अ फार्मर सेफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अ फार्मर जो जाता है अपनी खेती बाड़ी करता है, अपना सामान बेचता है, कहाँ जाकर बेचता है? मंडी में जाकर बेचता है। मंडी अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी कुछ सालों बाद, अगर गवर्नमेंट ये कह देगी कि हम ये ऑर्डिनेंस है आपकी मंडी जो है वो बाय द एंड ऑफ इट ब्रेक कर रहे हैं, MSP आपको सेफ करके बोल रहे हैं, अश्योरेंस बोले जा रहे हैं, अश्योरेंस वाइज आपको MSP मिलेगा। अश्योरेंस क्या होती है? आप लॉ पास करिए ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हू वो दिलजीत साहब इज सपोर्टिंग और हू कंगना जी इज सपोर्टिंग। आई डोंट केयर हू दे आर सपोर्टिंग, I am supporting farmers and the most important thing is the war and the fight is against the government, for them to understand ki ye jo this is shit what is happening, it is complete shit। हमारे इतने सारे हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं एक जगह पर जाकर बैठे हुए हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, वाटर कैनन उन्होंने अपने सीने पे लिए हैं, टियर गैस लिए हैं। एट दिस मोमेंट पूरे हिंदुस्तान को जग कर समझ जाना चाहिए हो क्या रहा है। इस मोमेंट पर हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दिलजीत और कंगना के बीच में क्या हो रहा है, ये बेहुदा सवाल है सर। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है सर कि किसान के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है। ये मैं बस सॉरी, मैं कभी कोई पॉलिटिकल चीज पर इतना लाउडली बोलता नहीं हूं, शायद पहली बार है जब मैंने बोला होगा, लेकिन ये मैं बहुत ऑनेस्टली फील करता हूं क्योंकि शायद मैंने बहुत करीब से पंजाब और हरियाणा को देखा है और समझा है, और समझा है जमीन को लेकर उनके दिल में कितना प्यार है। ये तो यही बात होगी दुनिया में, बिल्कुल हुआ दुनिया के बारे में। तो ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो बिल है, 3 बिल को लेकर जो विरोध है फार्मर्स का, तो वो सेंट्रल ने बनाया है, स्टेट को के ऊपर है वो लागू करे या मत लागू करे, तो पंजाब ने तो लागू ही नहीं किया और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ बोलती है पास करने के लिए, ठीक है, तो CM को लागू करना ही पड़ेगा। CM नहीं बोल सकता कि मैं लागू नहीं करूंगा या लागू करूंगा, वहां के लोग बोल सकते हैं जो हो रहा है। CM साहब ने तो कह दिया है कि लागू है, जिसके ऊपर हमारी प्रोटेस्ट चल रहा है। आज आप देखें कि राजस्थान के किसान भी आ गए हैं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के नहीं, एट दिस मोमेंट राजस्थान के भी किसान गए हैं प्रोटेस्ट करने। आप वीडियोज देख सकते हैं उनके, आप देख सकते हैं कर्नाटका से भी फार्मर्स जाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से भी जाना चाह रहे हैं। समझने की कोशिश करिए कि ये हर साल हो रहा है, हर साल ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2019 में यही चीज हुई थी हमारे छात्रों के साथ, 2020 में अब ये चीज हो रही है हमारे किसानों के साथ, 2021 में अब ये चीज किसके साथ होगी, और उसको क्या कहा जाए? जिहादी थे 2019 वाले, खालिस्तानी हैं 2020 वाले, 2021 वाले कौन होंगे? नक्सलाइट होंगे? मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरा आते हैं मैडम, इस पर सबसे पहले एक निर्णय आना चाहिए मैम, सबसे जरूरी चीज अभी वो है। इस पर अभी क्रिएटिवली हम लोग ना सोचे और इमोशनली सोचे, ये बात क्रिएटिव नहीं की जा सकती। ये बात की जाएगी तो ये बात दिल से की जाएगी, ये बात जमीर से की जाएगी, यह हर हिंदुस्तानी को महसूस करके करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप सबका है, आप सब ही इस चीज़ को एक आंदोलन बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने हर चीज़ जो इस साल पर हुई है उसकी हेल्प की है कि उसका कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन मिला है, चाहे कोई केस हो चाहे कोई सुसाइड हो, हर चीज़ का एक कंक्लूजन आप लोग की वजह से मिला है। इस चीज़ का कंक्लूजन मेरे या दिलजीत या कंगना या फलाना या ढमकाना की वजह से नहीं मिल सकता है, या आपकी वजह से मिल सकता है या पब्लिक की वजह से मिल सकता है। दूसरा ये भी जानना चाहेंगे सर, वेब सीरीज को लेकर जो नया कानून आ रहा है कुछ ही दिनों में शायद आने वाला है, और कुछ लोग
कुछ गलत भी तरीके का वेब सीरीज बना रहे थे, जिसकी वजह से अब कानून आना पड़ रहा है अश्लीलता को रोकने के लिए, जो कानून आने वाला है। तुमने मुंह-फेटी बोल दिया, हाँ हाँ, तो उसको रोकने के लिए जो कानून आ रहा है बोल, मैं पास तो नहीं कर रहा, तुम क्या चाहते हो, मतलब मेरा उस पर क्या है, सोच है। देखिए भाई वो तो सर वो उस चैनल सर देखिए वो सर पब्लिक तो पब्लिक है, आप पब्लिक को जो दिखाओगे पब्लिक देखेगी, पब्लिक को आप वायलेंस भी दिखाओगे पब्लिक वायलेंस भी देखेगी, पब्लिक को आप सुसाइड भी दिखाओगे पब्लिक सुसाइड भी देखेगी, आंखें बंद कर करके देखेगी लेकिन पब्लिक देखेगी। काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल के पैसे और चैनल बना लिए सुसाइड शोर्स बनाकर सर, ठीक है, पब्लिक तो देखेगी, पब्लिक को क्या है सर, आपको दिखाना है बस, ये आपकी गवर्नमेंट या आपके ऊपर है, आप सेंसरशिप पर क्या दिखाना चाहते हो। वैसे मैं ये चीज कहना चाहूंगा इस शो के बारे में जहां पर मैं काम अभी कर रहा हूँ, ये शो में एक गंद या एक अश्लील चीज नहीं है, ठीक है, जो है वो रियलिस्टिक स्टाइल से अप्रोच किया गया है, एक गंदी चीज नहीं है इस शो में। जब मुझे बुलाया गया था मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने एक बार में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अ गुड ओटीटी स्क्रिप्ट। आपकी फर्स्ट वेब सीरीज है जिसमें आप एज एक्टर काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन रहा? अरे मास्क आप है, मास्क को भी छोड़ो प्लीज। ठीक है, मेरे लिए आप अपना सवाल वापस रिपीट कर सकते हैं भाई, मैं इनके इमोशन में खो गया था, हंसने लग गया, बताइए। आपका फर्स्ट वेब सीरीज है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, और जब आपके पास